विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में शीत ऋतु की शुरुआत होते ही ठाकुर जी के दर्शन के समय में बदलाव हो गया है। वहीं ठाकुर जी को शीत ऋतु से बचाने के लिए कंबल एवं रजाई ओढ़ानी एवं मेवा युक्त खाद्य पदार्थ निवेदित किए जाएंगे। वहीं भाई दौज से केसर युक्त गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का प्रसाद लगाया जाएगा। साथ ही सुबह एवं रात्रि के समय ठाकुर जी की केसर एवं हिना के इत्र से मालिश की जाएगी। जी, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के समय में बदलाव हुआ है, क्या क्या समय रहा है, किस तरह से? ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज के दर्शनों का समय दीपावली की दौ से परिवर्तित होता है। कल दिनांक 15/11/2023 से ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज का प्रातःकाल दर्शन का समय 8:45 और से 1 बजे तक और शाम को 4:30 से 8:30 तक रहेगा, जो कि होली की पड़वा तक चलेगा। मंदिर के सहायक प्रबंधक उमेश चंद्र सारस्वत ने बताया कि भाई दूज के बाद शरद ऋतु की शुरुआत होते ही ठाकुर जी के दर्शन के समय में बदलाव कर दिया जाता है, जिसमें ठाकुर जी सुबह 8:45 से दोपहर 1 बजे तक भक्तों को दर्शन देते हैं। श्रृंगार आरती 8:55 पर एवं राजभोग आरती 8:55 पर होती है। वहीं शाम कालीन सेवा से में शाम 4:30 से 8:30 तक ठाकुर जी के पट खुलते रहते हैं। रात्रि 8:25 पर शयन आरती के बाद ठाकुर जी रात्रि विश्राम के लिए चले जाते हैं। मंदिर सेवायत आचार्य आशीष गोस्वामी ने बताया कि शरद ऋतु में ठाकुर जी को सर्दी से बचाने के लिए दीपावली की दौज के बाद रजाई एवं कंबल ओढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। साथ ही काजू, बादाम, पिस्ता आदि मेवा युक्त खाद्य पदार्थों से तैयार भोग निवेदित किए जाते हैं। बताया कि भाई दौज से केसर युक्त दूध समेत तरह तरह के गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ प्रसाद के रूप में निवेदित किए जाते हैं, जिसमें केसर, बादाम, काजू, पिस्ता आदि मेवाओं से युक्त प्रसाद तैयार किया जाता है। साथ ही ठाकुर जी को सुबह केसर एवं हिना के इत्र से मालिश कर यमुना जल, गुलाब जल एवं केसर डालकर स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें केसर हिना के इत्र की मालिश की जाती है। शीत ऋतु शुरुआत हो चुकी है और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के समय में भी परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ठाकुर जी को प्रसाद और पोशाक धारण कराए जाने की भी क्या व्यवस्था रहेगी? मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं, ठाकुर जी महाराज के दर्शनों के साथ साथ मंदिर की जो परंपराओं में और उनके प्रसाद में, पोशाक में, दर्शनों के समय में सभी में परिवर्तन आता है, तो अब शीतकालीन समय दीपावली की दौर से शुरू हो जाता है। इससे मंदिर का जो समय है वो भी परिवर्तित हो जाता है। मंदिर की सेवाओं का, राग अनुराग का, सबका समय परिवर्तित हो जाता है, व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर दिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि सुबह का जो श्रृंगार आरती है जो 8 बजे हुआ करती थी, अब वो आरती सुबह 9 बजे हुआ करेगी। शीतकालीन ये दीपावली से लेकर होली तक का समय रहेगा। तदुपरांत जो दोपहर की राजभोग आरती है उसका समय दोपहर जो 12 बजे हुआ करती थी, अब दोपहर 1 बजे हुआ करेगी। और सायंकालीन बेला में जो रात्रि ठाकुर जी की शयन आरती होती है वो रात को 9:30 हुआ करती थी, अब वो 8:30 हुआ करेगी। तो समय में परिवर्तन आएगा मंदिर के में। इसी प्रकार से भगवान को अब तक जो फूलों की माला गले में धारण कराई जाती थी, अब फूलों की माला आज से नहीं पहनाई जाएंगी। भगवान के गले में फूलों की माला ना पहनाने से आशय होता है कि हमारे ठाकुर जी को ठंड ना लग जाए, उन्हें ठंड का, शीतलन का एहसास ना हो, इसलिए भगवान को फूलों की माला नहीं पहनाई जाएंगी। अब भगवान को केवल मोती की माला या रेशम के फूलों की माला धारण कराई जाएंगी बिहारी जी महाराज को। इसी प्रकार से यदि भगवान के भोग को चर्चा किया जाए तो भगवान को ग्रीष्म तरह का जो भोग है, जो गर्म तरह का प्रसाद है, वो लगाया जाएगा। जैसे इसमें अधोटा हो गया, गर्म गर्म रबड़ी हो गई, या जो प्रसाद जिसकी तासीर गर्म है वो प्रसाद भगवान को भोग लगाएंगे, ताकि हमारे बिहारी जी महाराज को गर्मी का आनंद हो। केसर का इस प्रकार का जो चंदन लगाया जाएगा, केसर जो चंदन लगाएंगे भगवान को, शरीर पर मालिश करने के जो इत्र है वो समामा रहेगा, केसर रहेगा, हिना रहेगा। इस प्रकार से भगवान की सेवाओं में परिवर्तन आएगा। कहिए श्री राधे।